हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। इस वीडियो में हम द लायन एंड द माउस इसकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे और इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे एंड इस स्टोरी में बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द लायन एंड द माउस। Once when a lion, once मतलब एक बार, जब एक शेर, the king of the jungle, जंगल का राजा, was यूज हुआ है, मतलब पास्ट टेंस का बात हो रहा है फ्रेंड्स। शेर सो रहा था, जंगल का राजा एक बार सो रहा था। A little mouse, एक छोटा चूहा, began रनिंग अप एंड डाउन ऑन हीम। एक छोटा चूहा दौड़ना शुरू करता है ऊपर और नीचे उसके, मतलब शेर के। दिस सोन अवेकेंड द लॉयन, इससे शेर जल्द ही अवेकेंड मतलब जाग गया। द लॉयन, दिस सोन अवेकेंड द लॉयन, शेर जल्द ही जग गया। Who placed his huge paw on the mouse? जिसने अपना विशाल पंजा, huge मतलब बड़ा, paw मतलब पंजा, विशाल पंजा चूहे पर रख दिया and opened his big jaw to swallow him. बिग जॉ मतलब बड़ा जबड़ा और सॉलो मतलब निगलना। उसे निगलने के लिए अपने बड़े जबड़े खोल दिए। पार्डन, सॉरी, ओ किंग, हे राजा, क्राइड द लिटिल माउस, छोटा चूहा रोया। फॉरगिव मी मतलब माफ़ करना, इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा चूहा बोलता है। आई शॉल नेवर रिपीट इट, मैं इसे कभी नहीं दोहराऊंगा। एंड और आई शॉल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, मैं आपकी दयालुता कभी नहीं भूलूंगा। काइंडनेस मतलब दयालुता, फॉरगेट मतलब भूलना, मैं आपकी दयालुता कभी नहीं भूलूंगा। एंड हु नोज, और कौन जानता है, हु मतलब कौन, नोज मतलब जानना। एंड हु नोज, कौन जानता है, आई मे बी एबल टू डू यू अ गुड टर्न ऑन द दिस डेज, मैं इन दिनों में से किसी एक दिन आपका भला कर सकूंगा। चूहा बोलता है कि कौन जानता है कि मैं इन दिनों में से आपका किसी दिन भला कर सकूंगा। द लॉयन वॉज सो टिकल्ड बाय द आइडिया ऑफ द माउस बीइंग एबल टू हेल्प हिम दैट ही लिफ्टेड हिज पॉ एंड लेट हिम गो। द लॉयन वॉज सो टिकल्ड मतलब शेर को बहुत गुदगुदी हुई चूहे के विचार से, चूहे के सोच से, कि बीइंग एबल टू हेल्प हिम, कि चूहा उसकी मदद कर सकता है। दैट ही लिफ्टेड हिज पॉ एंड लेट हिम गो, उसने अपना पंजा उठाया, लिफ्टेड, लिफ्ट मतलब उठाना, लिफ्टेड हिज पॉ मतलब पंजा, उसने अपना पंजा उठाया और उसे जाने दिया। सम टाइम लेटर यानी कि कुछ समय बाद, अ फ्यू हंटर्स कैप्चर्ड द लॉयन, कुछ शिकारी, हंटर मतलब शिकारी होता है, कैप्चर्ड मतलब पकड़ लिया शेर को। एंड टाइड हिम,
और उसे बांध दिया। टू अ ट्री, एक पेड़ से शेर को बांध दिया। आफ्टर दैट दे वेंट इन सर्च ऑफ अ वैगन, उसके बाद वे एक बग्घी की तलाश करने लगे। टू टेक हिम टू द जू, बग्घी की तलाश में एक जू की तरफ निकल पड़े। जस्ट देन, तभी द लिटिल माउस, एक छोटा चूहा, हैपेंड टू पास पास बाय। एक छोटा चूहा उधर से गुजरा। ऑन सीइंग द लायंस प्लाइट, ऑन सीइंग, उसने देखा द लायंस प्लाइट, शेर की दुर्दशा। ही रन अप, वह दौड़ा, उसकी तरफ दौड़ा। एंड नॉट अवे, नॉट मतलब होता है कुतरना, उसने कुतर दिया। द रॉप्स दैट बाउंड हिम, रस्सियों से जो बंधा था उसे उसने काट दिया। द किंग ऑफ द जंगल, जंगल का राजा। तो समझ में आया दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा चूहा वहाँ से गुजरा, जिसने शेर की दुर्दशा देखकर वह उसके पास दौड़ा और जंगल के राजा उसे बांधने वाली रस्सियों को काट दिया। किसने काटा? चूहे ने काटा। वॉज आई नॉट राइट, क्या मैं सही नहीं था? सैड द लिटिल माउस, सैड मतलब कहना, छोटा चूहा बोलता है। वेरी हैप्पी टू हेल्प द लॉयर, छोटा चूहा बहुत खुश था शेर की मदद करके। तो स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस मतलब होता है दयालुता। स्मॉल एक्ट्स मतलब छोटे छोटे कार्य, विल बी रिवॉर्डेड ग्रेटली, दयालुता के छोटे छोटे कार्यों का बहुत प्रतिफल मिलेगा, ऐसा इस कहानी से शिक्षा मिलता है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।